तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिरों में शिव भक्तों की धूम और महाशिवरात्रि की धूम। इसी मौके पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो मिसाल के तौर पर पेश की जा रही हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम कारीगर शिवरात्रि के दिन भगवान की पोशाक और कावर बनाते दिखाई दिए। वहीं संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों को फूलों से उनका स्वागत किया, फूल वर्षा उन पर की है। एक रिपोर्ट के जरिए इसे भी देख लेते हैं। जहां एक तरफ देशभर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है, वहीं शिवरात्रि के मौके पर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है मुरादाबाद की, जहां मुस्लिम समाज के कारीगर शिवरात्रि के लिए भगवान शिव की पोशाक सिलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान की पोशाक बना रहे ये सभी कारीगर मुस्लिम समाज के हैं, जो कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हुए हैं। मुरादाबाद में बड़ी संख्या में कारीगर पोशाक बनाने से लेकर बेचने का काम भी करते हैं। पोशाक चाहे राम की हो या भगवान शिव की, भक्तों तक पहुंचती इन्हीं कारीगरों से होकर है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां कावड़ों को सजाने का काम भी जोरों शोरों पर किया जा रहा है। जिले के आसपास के शिव भक्त भी इन्हीं कारीगरों के हाथों से सजी कावड़ को मंदिर में चढ़ा रहे हैं। देशवासियों को संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे परंपरा चली आ रही है, जो देश की हमारी गंगा यमुना तहजीब है, इसको बरकरार रखें। जैसे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम मिलकर के भाईचारे के साथ, तो इसी तरीके से मैं देशवासियों को चाहूँगा, इसी तरीके से संदेश है और इसी तरीके से मैं मिलकर के काम करूँ, तभी हमारा देश या उन्नति की तरफ बढ़ पाएगा। यूपी के संभल से भी एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर आपका दिल तो खुश होगा ही, साथ ही ऐसा नजारा है जिससे बड़े बड़े राजनेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। संभल में पुलिस के साथ मुस्लिम समाज के लोग कावड़ियों पर फूल बरसाते नजर आए हैं। कावड़ियों पर फूल की बारिश उनके स्वागत में की गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों के स्वागत में पंडाल भी सजाए हैं और उन्हें फल और चाय भी वितरित किया। आज कावड़ यात्री अपने जगह जगह मंदिरों के लिए जल लेकर के आ रहे हैं। कुछ कचला घाट से, हरिद्वार से, राजघाट से, जगह जगह से जल लेकर के आ रहे हैं। वो सभी क्षेत्र में अपने अपने जो उनके नज़दीकी मंदिर है वहाँ पे ले जाकर के कल वो अपना जलार्पण करेंगे। इसी में जो दूसरे समुदाय के मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग भी जगह जगह उनका खड़े होकर के पुष्प वर्षा करके के उनको फल और फ्रूट खिला करके उनकी सेवा करके स्वागत कर रहे हैं। आज शिवरात्रि है और हम शिवरात्रि के मुस्लिम समुदाय के लोग हम उनका स्वागत कर रहे हैं फलों से और फूलों से, और हम भाईचारे का सबूत दे रहे हैं भाईचारे। यूपी के अलग अलग जिलों से संभल होते हुए हरिद्वार जा रहे शिव भक्तों को भाईचारे का संदेश देती ये तस्वीर गवाह है कि भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे अनोखी है। जहां होली धूमधाम से मनाई जाती है, तो ईद भी उतनी ही रौनक से मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।